ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर बना है। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित कर दिया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात यह है कि पूर्णतः सममितीय है। इसका निर्माण 1653 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांतरकर्ता माना जाता है। मुख्य आधार के चारों कोनों पर चार विशाल मीनारें स्थित हैं। ये प्रत्येक 40 मीटर ऊंची हैं। यह मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति दर्शित करती हैं। यह मीनारें मस्जिद में अंजान देने हेतु बनाई जाने वाली मीनारों के समान ही बनाई गई हैं। प्रत्येक मीनार दो दो छज्जों द्वारा तीन समान भागों में बटी हैं। मीनार के ऊपर अंतिम छज्जा है जिस पर मुख्य इमारत के समान ही छतरी बनी है। इन पर भी वही कमलाकार आकृति एवं किरीट कलश भी हैं। इन मीनारों में एक खास बात है कि यह चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं, जिससे कि कभी गिरने की स्थिति में यह बाहर की ओर ही गिरें एवं मुख्य इमारत को कोई क्षति ना पहुंच सके। ताजमहल इमारत समूह रक्षा दीवारों से परिबद्ध है। यह दीवारें तीन ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी है एवं नदी की ओर खुला है। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं, जिसमें शाहजहां की अन्य पत्नियां दफन हैं, एवं एक बड़ा मकबरा मुमताज की प्रिय दासी हेतु भी बना है। यह इमारतें भी अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित हैं, एवं उस काले के छोटे मकबरों को दर्शाती हैं। इन दीवारों की बागों से लगी अंदरूनी ओर में स्तंभ सहित तोरण वाले गलियारे हैं। यह हिंदू मंदिरों की शैली है, जिसे बाद में मस्जिदों में भी अपना ली गई थी। दीवार में बीच बीच में गुंबद वाली गुमटियाँ भी हैं। छतरियों वाली छोटी इमारतें जो कि अब पहरा देने के काम आती होंगी, परंतु अब संग्रहालय बनी हुई हैं। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहां अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित हैं। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चालित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। खवास उरास को पुनर्स्थापित कर नवीन पर्यटक सूचना केंद्र की तरह प्रयोग किया जाएगा। ताजमहल के दक्षिण में स्थित एक छोटी बस्ती को तालगंज कहते हैं। पहले इसे मुमताजगंज भी कहा जाता था। यह पहले करवा सराय एवं दैनिक आवश्यकताओं हेतु बसाया गया था। प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। यह सात आश्चर्यों की सूची में भी आता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पाया है। यह स्थान विश्वव्यापी मतदान से हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले थे। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी कि 240 फीट है। इसका निर्माण 1632 से शुरू हुआ और 1653 का इसका निर्माण खत्म हो गया। इसके आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके आर्किटेक्चर स्टाइल भी मुगल आर्किटेक्चर ही थे। ताजमहल को देखने हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं। ताजमहल अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल